दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, सपने भी हैं। पूरा गाना नहीं सुनाऊंगा, सपने नहीं तो टूट जाएंगे मेरे, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूँ आज बहुत बड़ी गुड न्यूज। आईआईटी कानपुर वाले बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर कार्ला की भविष्यवाणी सही निकलेगी, ये मेरा अनुमान है। और देखते हैं मेरा अनुमान। और मैं जा रहा हूँ खाने पान, और तब तक आप बने रहिए यहीं पे, कहीं मत जाइएगा, सब्सक्राइब करने जाइएगा, अगर जाइएगा तो मान के रहेगा भाई, ये लौंडा कुछ ना कुछ करके छोड़ेगा जरूर। तो आ गया आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा, आपके लिए गुड न्यूज का तड़का ले रहे हैं। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम एंड जय हिंद। देखो कैसे लगातार बढ़ते जा रहे थे, और मैंने ये बोला था कि 20 तारीख के आसपास मुझे लगता है कुछ जगहों पे तो पीक आ चुका होगा, लेकिन जो पूरे भारत से रिपोर्ट आई है वो अच्छी है। ठीक है, हालांकि आईआईटी कानपुर वाले ये बोल रहे हैं, जो वहाँ के मनिंद्र अग्रवाल जी हैं प्रोफेसर, उनके हिसाब से मई के शायद थर्ड वीक में जाके, या मिड मई में, सॉरी मिड मई में, उनके हिसाब से मई के बीच में जाके कहीं पीक आएगा। पर मेरा ये मानना है कि पीक आ चुका है, स्पेशली कुछ स्टेट्स में तो आ चुका है। उनमें सबसे ऊपर वो स्टेट्स हैं जहां पे केसेस सबसे पहले बढ़े थे, यानी कि दिल्ली, यानी कि हरियाणा, यानी कि उत्तर प्रदेश, यानी कि राजस्थान, यानी कि गुजरात, यानी कि महाराष्ट्र, यानी कि केरला। तो ये स्टेट है जहां पे, और इन्हीं राज्यों को एडवाइजरी भेजी गई है सेंटर द्वारा, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, दिल्ली की, आपके यहाँ केसेस बढ़े हुए हैं। लेकिन कल भी केसेस कम आए थे, 10 हजार के आसपास, आज केसेस और कम आए, और पिछले एक हफ्ता ये पहला हफ्ता था जब केसेस कम हुए हैं। और इस बात पे तो मुझे काफी हद तक यकीन है कि दिल्ली जैसी जगहों पे, जहां पे सबसे ज्यादा केसेस है, जो हॉटस्पॉट बना हुआ था, वहां पे केसेस कम हो चुके हैं। रही बात तो वही बात है कि टेस्ट ही नहीं हो रहे, तो एक्चुअल कंडीशन का पता नहीं चल पा रहा। लेकिन लेकिन केसेस भले ही कम हो गए हो, जो मैं आंकड़े आज के बताने जा रहा हूँ वो भी इस बात पे मोहर लगा रहे हैं। हालांकि वो छुट्टी का था कल परसों, तो हो सकता है बुध बृहस्पति में फिर थोड़े बहुत केसेस बढ़े, पर मुझे ऐसा लगता है कि पीक होके जा चुका है। लेकिन डेथ का आंकड़ा भी बढ़ेगा, अभी तक 8 मैक्सिमम डेथ 8 के आसपास हुई है दिल्ली में, और पिछले हफ्ते दिल्ली में 35 डेथ हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी डेथ का आंकड़ा ये 15-20 तक भी जा सकता है, क्योंकि 14 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं। पहले बता देता हूँ टोटल इंडिया में केसेस कितने आए हैं। 6,896 केसेस आए हैं, 65,000 के आसपास एक्टिव केसेस हैं, 8 डेथ हुई हैं। उन 8 में से दिल्ली के अंदर सिर्फ एक डेथ हुई है, महाराष्ट्र में शायद 2 डेथ हुई है। महाराष्ट्र में 545, केरला में 1800, कर्नाटका 217, दिल्ली 948। दिल्ली में 948 केसेस आए हैं, यूपी में 650 के आसपास हैं। तो पहले दिल्ली की कहानी बताता हूँ, क्योंकि दिल्ली सबसे हॉटस्पॉट था, इसलिए दिल्ली की कहानी बतानी बहुत जरूरी है। दिल्ली में 948 केसेस आए हैं, जहां पे कि अभी एक तो दिन पहले 1700-1800 थे, ऑलमोस्ट हाफ आए हैं, तो ये अच्छी बात है। और हमारा पॉजिटिविटी रेट 25% 7% हो गया, जो थोड़ा सा कम हुआ है। अब यहाँ पे जो मैं बार बार बोलता हूँ कि ये बात देखने की, 2 डेथ हुई है दिल्ली में, और शायद और एक इनडायरेक्ट डेथ बताई जा रही है, और दूसरी का भी पता ही नहीं है, उसका डिटेल नहीं आया है। 300, देखो टोटल बेड करीब 7,973 हैं, जिसमें से कि 4.5% बेड भरे हुए हैं, 370 पेशेंट एडमिट हैं, 127 पेशेंट 370 में से आईसीयू में से हैं, आईसीयू में हैं, उसमें से 109 पेशेंट ऑक्सीजन पे हैं, 109 पेशेंट, 14 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं। ठीक है, तो 14 पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे, तो यकीन मानिए डेथ का आंकड़ा भी कम होने वाला नहीं है हफ्ते 10 दिन तक। तो ये बात हो गई कन्फर्म, तो ये बात भी कंफर्म हो गई कि पीक अभी होके जा चुका है। नंबर वन, हो सकता है छुटपुट एक दो दिन केसेस फिर बढ़े हुए नजर आए, लेकिन मेरे हिसाब से पीक होके जा चुका है दिल्ली के अंदर, दिल्ली, नोएडा, यूपी के जितने बॉर्डर है, हरियाणा, यहाँ पे पीक होके जा चुका है। अब जो आईआईटी महेंद्र अग्रवाल जी पीक कह रहे हैं मिड मे में आएगा, देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पीक जो आएगा वो इंस्टॉलमेंट में आएगा, आ इधर तो कल उधर, परसों इधर, तरसों इधर, करते करते हो सकता है मिड मे तक पहुंच जाए, लेकिन पूरे भारत में एक यूनिवर्सल पैटर्न होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। हालांकि एक अच्छी बात निकल के आई है कि इस हफ्ते केसेस पिछले हफ्तों से कम आए हैं, जो 7 दिनों में केसेस थे वो पिछले हफ्ते से केसेस कम थे, तो
तो ये भी मेरी बात पे एक तरह का मोहर लगा रहा है कि पीक शायद होके जा चुका है, और मेरा ये मानना था कि 15-20 तारीख के बीच में कहीं पीक आ चुका होगा। और मुझे ऐसा लगता है ये जो पंडित जी बैठे हुए हैं, ये जो तांत्रिक जी बैठे हुए हैं, ये जो एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नमित काला हैं, श्री श्री 108, इनकी भविष्यवाणी कभी कभी सच निकल जाती है। तो मुझे इस पर कोई प्राउड नहीं है, मैं जो बोलता हूँ दिल और दिमाग दोनों को मिला के बोलता हूँ। वैसे दिमाग से ही बोलना चाहिए, इसमें दिल क्या करेगा। दिल क्या करे जब किसी को कोविड से प्यार हो जाए। मुझे कोविड से प्यार है, मेरी तो दुकान है भाई। जब जब कोविड आता है मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, नहीं सॉरी कम हो जाते हैं, अब तो कम हो जाते हैं। वो कहते हैं सारा दिन चाटते हैं कोविड के नाम पे। भाई आखिरी वीडियोज हैं, जाति बाहर के वीडियो हैं, बस सूंघ लो इसको। जाति बाहर का आम होता है ना जो लंगड़ा, ये लंगड़े वीडियो हैं बस। अच्छा अब ये भी बताया जा रहा है कि अभी आने वाले टाइम में वेडिंग्स हैं, सोशल इवेंट्स हैं, हॉलीडेज हैं, गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली हैं, लोग घूमने निकलेंगे, फिर फैलेगा। अबे सबको तो हो चुका है, हर घर में तो खांसी नजला जुकाम, हर बंदा छींक रहा है, हर बंदा खांस रहा है, बचा कौन है। रही बात वही है कि अभी तक ये नहीं पता है कि को वैक्सीन का कितनी इफेक्टिव है, ये किसी को नहीं पता है। पूरी तरह से इफेक्टिव है ये तो पता है, नहीं है पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं है, होती तो इतने केसेस थोड़ी आते। कितने परसेंट पेशेंट पेशेंट आईसीयू में है जिनको वैक्सीन लगी हुई है। मैं बार बार कल भी ये वीडियो बनाया था, दोबारा उस बात को चालू नहीं करना चाहता हूँ। तो इसमें स्टडी होनी चाहिए, लेकिन वही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, वैक्सीन के ऊपर कौन बात करेगा। बात होती है कोविड के ऊपर, बात होती है पोस्ट कोविड के ऊपर। अब एक इशू ये भी है कि जो अभी कोविड हो रहा है, क्या इसका पोस्ट कोविड इफेक्ट आएंगे लोगों को। तो मैं यही बोलूंगा अगर कोविड होता है अगर आपको, तो आप रेस्ट करेगा जरूर, ये 6-7 दिन रेस्ट कर लोगे ना तो आने वाले टाइम में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सच बता रहा हूँ, हम लोग सोचते हैं अरे छोड़ना है, क्या करना है, कहाँ पे चल, अरे चल छोड़, अरे कुछ नहीं होता, अरे क्या कोविड, कोविड वोविड कुछ ना है साला, स्कैम है स्कैम स्कैम। चलिए एनीवेज आप इसको स्कैम बोलें या कुछ भी बोलें, लेकिन मेरे हिसाब से माइल्ड केसेस आ रहे हैं, एडमिशन बहुत कम है, तो नो डाउट एक आम वायरस की तरह से बिहेव कर रहा है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एहतियात के तौर पे अगर रेस्ट कर लेंगे, 6-7 दिन आइसोलेशन में रह लेंगे, तो कम से कम दूसरे पेशेंट को नहीं फैलाएंगे, अपने घर वालों को नहीं फैलाओगे। घर वालों को तो फैल चुका होता है, घर वालों को तो बेकार है, बाहर वालों को नहीं फैलाओगे, बस इतना ही है। थैंक यू। और 7 दिन का ही आइसोलेशन है, बहुत सारे ऐसे लोग सवाल पूछ रहे हैं कितने दिन का आइसोलेशन। 7 दिन का आइसोलेशन सफिशेंट है, सफिशेंट है, इससे ज़्यादा कि मुझे नहीं लगता अब इसकी औकात रह गई है। वो 7 दिन, वो 70 मिनट, एक दिन ऐसा भी आएगा 70 मिनट का आइसोलेशन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, और जिंदगी इसी तरह से बीतती रहेगी अच्छी अच्छी न्यूज के सहारे। तो जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाल दिल का के सुनाएंगे, हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच, आपका लौंडा डॉक्टर नवनीत कालरा, बाय, शुक्रिया, शब खैर।